आज की इस वीडियो में मैं आपको ESIC के फॉर्म 10 के बारे में बताने वाला हूँ। फॉर्म 10 क्या होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है और इस फॉर्म को कहाँ पर सबमिट करना है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो ये फॉर्म दो पेज का होता है। पहले पेज को ESIC डिपार्टमेंट यानी ESIC का ब्रांच ऑफिस फिलअप करता है और दूसरे पेज को आपका एम्प्लॉयर। यह फॉर्म आपको ESIC डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। इस फॉर्म की जरूरत तब पड़ती है जब आप किसी कारण अपना ESIC में ट्रीटमेंट करवाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, आप रेस्ट में रहते हैं, ड्यूटी पर नहीं जा पाते हैं, तो इस पीरियड के दौरान आपको जो सैलरी ESIC डिपार्टमेंट देगी उसी को क्लेम करने के लिए इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, एब्सटेंशन वेरिफिकेशन इंस्पेक्ट ऑफ सिकनेस बेनिफिट, टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट, इन तीन बेनिफिट्स के लिए आपको इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। इस फॉर्म को आपका ESIC का ब्रांच ऑफिस आपको देगा, जिसमें ब्रांच ऑफिस का नाम लिखा रहता है, इसके बाद आपके कंपनी का नाम लिखा रहेगा और सब्जेक्ट में जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ, आपका नाम रहेगा, इंश्योरेंस नंबर रहेगा, यानी आप जो एब्सेंट हुए हैं, आप ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए इस फॉर्म को इशू किया गया है। आगे लिखा हुआ रहता है, द अबव नेम्ड एम्प्लॉई ऑफ योर फैक्ट्री हैज सबमिटेड अ सर्टिफिकेट इन कैपेसिटी ऑफ द पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना एंड हैज डिक्लेयर्ड दैट ही एंड सी हैज नॉट वर्कड ऑन एनी डे ड्यूरिंग द अबव पीरियड। मतलब इस पीरियड के दौरान, यानी ये जो पीरियड मेंशन किया हुआ है, इस पीरियड के दौरान यह जो एम्प्लॉई है आपके फैक्ट्री में काम नहीं किया है, उसके अगेंस्ट में इसने एक रिक्वेस्ट दी है या फिर एक सर्टिफिकेट सबमिट किया है। इसके बाद आगे ये सारी डिटेल लिखी रहती है। फिर यहाँ पर ESIC का जो ब्रांच ऑफिस है साइन स्टैम्प करके आपको दे देगा। अब इस फॉर्म को आपको अपने एम्प्लॉयर के पास लाना है। अब ये जो दूसरा पेज है ये एम्प्लॉयर फिलअप करेगा, जिसमें लिखा हुआ रिप्लाई टू बी फर्निश्ड बाई द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म 10, यानी फॉर्म 10 के अगेंस्ट में आपका एम्प्लॉयर को रिप्लाई करना है। अब यहाँ पर सारी डिटेल को आपका एम्प्लॉयर फिलअप करेगा। तो जैसा कि पहला है, नेम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन यानी आपका नाम रहेगा, इंश्योरेंस नंबर रहेगा। इसके बाद रिटर्न विद द रिमार्क्स दैट द एम्प्लॉई इन क्वेश्चन हैज नॉट वर्कड ऑन एनी डे ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम इतने तारीख से इतने तारीख के बीच, यानी यह एम्प्लॉई जो है इस पीरियड के दौरान यहाँ पर काम नहीं किया है। इसके बाद अगले लाइन को ब्लैंक रखना है। आगे इट इज फर्दर कन्फर्म दैट, यानी इन इस बात के अलावा और भी बातें हैं जो कन्फर्म करनी चाहिए अगर ये एप्लीकेबल होती हैं तो। ही सी रिमेंड ऑन लीव विथ वेजेस, यानी अगर वेजेस के साथ लीव पर रहते हैं तो उसकी डिटेल को एम्प्लॉयर यहाँ पर फिलअप करेगा। अगला लाइन है, ही सी रिमेंड ऑन हॉलीडे विथ वेजेस फ्रॉम सैलरी, यानी वेजेस के साथ हॉलीडे रहता है तो उसकी डिटेल यहाँ फिलअप करेगा। इसके अलावा ही सी वाज ऑन वीकली ऑफ, अगर कोई संडे पड़ता है यानी वीकली ऑफ पड़ता है यानी छुट्टी का दिन पड़ता है तो उसको यहाँ पर लिखेगा। आगे ही सी वाज ऑन ले ऑफ विथ वेजेस फ्रॉम, यानी इसके अलावा अगर ले ऑफ का सिचुएशन रहता है तो उसकी डिटेल लिखेगा। ही सी वाज ऑन स्ट्राइक फ्रॉम, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। आगे आपका एम्प्लॉयर यहाँ पर डेट लिखकर सिग्नेचर करेगा और साइन स्टैम्प करके अपना डेजिग्नेशन और एम्प्लॉयर का जो कोड है ESIC का उसका यहाँ पर लिखकर आपको इस फॉर्म को वापस दे देगा। अगला काम है कि आपको इस फॉर्म को लेकर अपने ESIC के ब्रांच ऑफिस में जाना है, वहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करना है। इसके बाद आगे की कार्रवाई ESIC की ब्रांच ऑफिस ही करेगी। तो इस तरह से ESIC का फॉर्म 10 फिलअप किया जाता है और इसकी ज़रूरत इसी सिचुएशन में पड़ती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।